ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महा एपिसोड हेलो डॉक्टर का, जिसमें डॉक्टर शैलेश लोढ़ा हमारे बीच मौजूद हैं, मधुमेह रोग के जाने माने देश के विशेषज्ञ। और ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी बातें की। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये पूछना चाहता हूँ मैं कि किसी से भी जब चेकअप कराते हैं तो पहले पूछते हैं आपको हेरिडिटी से तो नहीं है, परिवार में तो किसी को डायबिटीज नहीं है, जब ये रोग का कोई विषाणु नहीं, जीवाणु नहीं, कीटाणु नहीं, वायरस नहीं, तो फिर अनुवांशिक होने से क्या लेना देना है, क्या संबंध है? या डायबिटीज़ जो एडल्ट्स में डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादातर परिवार में चलती है जी। किसी के निकटतम संबंधी, फादर, मदर, भाई बहन, इनको अगर डायबिटीज़ है तो नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज़ होने का रिस्क अधिक होता है। जबकि जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है, आमतौर पर उसमें परिवार में किसी भी सदस्य को डायबिटीज़ नहीं होती है जी। क्योंकि वहाँ डायबिटीज़ होने के कारण अलग होते हैं जी। पर एडल्ट्स में जो डायबिटीज़ है ये परिवार में चलती है। ये बड़ी चर्चा है कि आप शारीरिक श्रम कीजिए, व्यायाम कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। जी हाँ, डायबिटीज़ क्योंकि ग्लूकोज जब शरीर जब कार्यशील होता है जी। शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और ये ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है। अगर हम अधिक शरीर को चलाएंगे तो अधिक मात्रा में ग्लूकोज फ्यूल कंज्यूम होगा, तो उससे शरीर का रक्त ग्लूकोज नियंत्रित होगा। और जब मसल कार्यशील होती है, जब हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, रक्त का स्तर गिरता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपको शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। मतलब एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो कहते पसीना बहाओ तो शुगर का लेवल नीचे आ जाएगा। जी हाँ, एक मारवाड़ी में कहावत है, भूखा मरो पगा चालो जी। तो ये डायबिटीज़ के लिए एक तरीके से कहावत है कि जी जी। अगर आप कम भोजन खाएंगे जी। और अधिक व्यायाम करेंगे, इसका सार ये है कि जरूरत से ज़्यादा भोजन ना करें जी। और व्यायाम पूरा करें, शारीरिक श्रम पूरा करें, तो डायबिटीज़ से बचा भी जा सकता है। अवेयरनेस से भी फ़र्क पड़ता है, अवेयरनेस बढ़ रही है आजकल, बगीचों में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, ज़्यादा घर पर भी करते हैं एक्सरसाइज। जी हाँ, धीरे धीरे बढ़ रही है अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग गाड़ी में, कारों में घूमते हैं, एसी में बैठते हैं, लिफ्ट पर चलते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ते। हाँ जी, तो जहाँ भी हमें मौका मिले कोशिश करें कि पैदल चलें, व्यायाम करें। मंदिर भी जा रहे हैं तो लोग बाग यही कोशिश करते हैं कि एकदम भगवान के सामने ही गाड़ी पार्क करके और दर्शन कर लूं जी। 100-200 नहीं चलते, 100-200 गज अगर दूर गाड़ी पार्क करके आप आ जाएं तो क्या दिक्कत है जी। चलिए, कॉलर हैं, बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, कुछ सवाल पूछना है। बताइए कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना। मैं नारायण प्रसाद बोल रहा हूँ भोपाल से जी। बताइए आपका सवाल पूछिए। हाँ सर, प्रॉब्लम ये है मुझे कि शुगर की वजह से पाँव के नीचे झुनझुनी चढ़ी रहती है, चलने फिरने में जो है बहुत तकलीफ होती है। हाँ जी, ये जो आप बात बता रहे हैं ये डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटीज़ में जो नर्व्स होती हैं, नसों की जो प्रॉब्लम है उसका ये सिम्टम है। और इसके लिए पहली बात तो ये है कि शुगर का नियंत्रण अच्छी तरह करिए। जब कई बार लोगों के शुगर कंट्रोल होने से ये सिम्टम ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं ख़त्म होता है तो इसके लिए कई तरह की बढ़िया आजकल दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और आप जहाँ भी आपका इलाज चल रहा है, चिकित्सक से ये बात डिस्कस करके और न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने की दवाएं दी जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, 2011 में मेरा ये स्पाइन सर्जरी हुई थी। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हुई है। वैसे तो स्पाइनल सर्जरी से इसका डायरेक्ट संबंध मुझे नहीं लगता। मुझे पहला मैं यही आपके लिए डायग्नोसिस जो सोचूंगा वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। हालांकि स्पाइनल प्रॉब्लम से भी ऐसी चीज़ें संभव है, लेकिन क्योंकि आपको डायबिटीज़ है तो पहला हमें यही सोचना चाहिए कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है जी। चलिए डॉक्टर साहब, ये अभी और कॉलर आएंगे और लोगों से बात करेंगे। मैं कह रहा था कि कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनसे आप घर में बैठ के भी नाप सकते हैं जी। पहले तो एक वो सुई से प्रिक करके और मशीन आती है छोटी सी, हाँ जी, उससे जी हाँ। और कुछ भी डेवलपमेंट हो गया, कुछ नए इक्विपमेंट आ गए। ग्लूकोज मीटर आजकल बहुत ही सस्ते और प्रभावी और बट एक्यूरेट मीटर्स आजकल उपलब्ध हैं। और इनमें से एक बूंद के चौथाई या 1/6 हिस्से से भी रक्त के आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं और कुछ सेकंड्स में, 5 सेकंड में शुगर की रिपोर्ट आ जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी ने डायबिटीज़ के इलाज को बहुत ही आसान बना दिया है, पेशेंट्स के लिए बहुत फ्रेंडली बना दिया है। और अभी नई टेक्नोलॉजी जो अभी कुछ वर्षों से भारत में भी बहुत आसानी से उपलब्ध है जी, इस एक डायबिटीज़ के नियंत्रण को और अधिक तरह अच्छे तरीके से देखने के लिए एक इस तरीके की इक्विपमेंट आता है
डिस्क होती है ये, इसको हम यहाँ चिपका सकते हैं हाथ पे या पेट पे, और ये हर 10-15 सेकंड में शुगर टेस्ट करती है स्किन के नीचे जो फ्लूइड होता है उसमें से जी, और अपने ये आप अपने आप चेक करती है। एक बार इसको चिपका दिया जाता है उसके बाद, और ये सारा डेटा इसके अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। दिन में 100 के करीब अगर रीडिंग्स हुई हैं तो इसी में रिकॉर्ड रहती हैं। कितने दिन तक? कई बार 7 दिन तक, कई बार 5 दिन तक, कई बार 13-14 दिन तक भी हम इसको काम में ले सकते हैं। जी, लगातार लगातार जी। और ये सारी रीडिंग्स हम कंप्यूटर पर डाउनलोड करके, जैसे स्टॉक मार्केट की रीडिंग्स आती हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, उस तरीके से इसकी रीडिंग्स आ सकती हैं, हम देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कई बार कुछ मोबाइल से भी ये कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, तो आप डायरेक्टली अपना मोबाइल इसके पास ले गए, आपकी मोबाइल में रीडिंग आ गई है। अच्छा? कितनी है? तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है या भारत के लिए कोई अजीब चीज़ नहीं है। आज ये चीज़ जयपुर जैसी जगह में बहुत आसानी से की जा रही है। जी, कितने रुपए की आती है डिवाइस? ये डिवाइस अलग अलग कंपनीज की हैं जी, तो लगभग लगभग 2,500 2,500 से लेके 3,000-4,000 तक की मिलती हैं। और एक बार काम में लेने के बाद इसको फिर दोबारा काम में ले सकते हैं? नहीं, दोबारा नहीं, ये डिस्पोजेबल डिवाइस होती है, तो एक बार ही काम में आती है। जी जी, डॉक्टर साहब, ये जो डिवाइस है इससे पता लग जाए तो उससे आपको, लेकिन एक ब्लड टेस्ट भी होता है? हाँ जी, जिसमें कहते हैं 3 महीने की शुगर आ जाती है एक साथ। हाँ, जिसे हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं जी, उससे एक तरीके से शुगर का एवरेज कहते हैं, HbA1c जी, पिछले 3 महीने का शुगर का एवरेज इसे कहा जाता है जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है डायबिटीज के लिए, क्योंकि कई बार पेशेंट्स डॉक्टर से छुपाने के लिए या परिवार से छुपाने के लिए जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति डायबिटीज में नियंत्रण नहीं रखता, चुपके से सब खान पान कर रहा है, परिवार ये समझ रहा है कि इसका शुगर नॉर्मल आना चाहिए क्योंकि ये तो कुछ खा ही नहीं रहा है जी। जब डॉक्टर के पास आके शुगर चेक करते हैं तो वो भी नॉर्मल मिलती है, क्योंकि वो एक दिन पहले एकदम कंट्रोल कर लेते हैं शुगर जी, या एक्स्ट्रा दवाई ले ली, एक्स्ट्रा इंसुलिन लगा लिया जी, तो डॉक्टर के यहाँ जब टेस्ट कराया तो शुगर उस दिन की नहीं आई, उस दिन की 120 आ गई। तो इसीलिए ये टेस्ट हमारी मदद करता है, इसमें पिछले 3 महीने का निचोड़ आ जाता है जी, तो हमें ये पता लग जाता है कि पिछले 3 महीने शुगर का स्तर कैसा रहा है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है जी। इसमें कहाँ तक होना चाहिए, क्या क्या मेजरमेंट होता है? नॉर्मल ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जिसको डायबिटीज नहीं है उसका 5.7 से नीचे होता है जी। डायबिटीज में हम ये चाहते हैं कि 6.5 से 7 के बीच में अगर ये मेंटेन रहता है जी, तो वो सर्वोत्तम माना जाता है जी। जी, 7 के ऊपर चला जाए तो डेंजरस है? 7 के ऊपर फिर वो जैसे जैसे स्तर बढ़ता रहता है उसकी डेंजरसनेस बढ़ती रहती है, 10, 11, 12 जी खराब माना जाता है। एक कॉलर है, बताइए क्या पूछ रहे हैं? नमस्ते, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना? सर, मैं इंद्रगढ़ समय के मंडी से बोल रहा हूँ, अब्दुल कय्यूम जी, बूंदी जिला जी। बताइए। सर, मेरे क्या है कि जब काम करता हूँ तो मेरी सांस से भरती है और मेरी 40 की उम्र हो चुकी है, और मेरे को क्या है नजदीक का कम दिखता है, और कुछ मेरे हाथ में लग जाती है तो वो काफी दिन में ठीक होती है। आप डायबिटीज की कोई दवाई ले रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं ले रहा मैं अभी तो। अच्छा, तो डायबिटीज का सबसे पहले टेस्ट तो कराइए कि डायबिटीज तो नहीं है जी। के देख के कराऊंगा सर, इसीलिए अभी चैनल पे आपको देख रहा था, तो सर मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे को कुछ संदेह हुआ तो मैंने आपसे पूछ रही। आपके लक्षण डायबिटीज के ही हैं, आंखों में धुंधलापन, नजर की कमजोरी, घाव नहीं भरना और सांस फूलना, ये सब चीजें डायबिटीज में संभव है, तो आप डायबिटीज का टेस्ट कराइए जी। चलिए डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आते हैं खाने पीने पर। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हमको कई डॉक्टर्स से ये कहते सुनता है कि खाने से पहले पेट भर के सलाद खाओ जी, ककड़ी, खीरा, टमाटर खूब खाओ जी, और डायबिटीज़ के पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि हर 2-3 घंटे में कुछ खाओ। ये दो बातें अक्सर सुनने में आती है, और ख़ासतौर पर चने खाने की सलाह दी जाती है बहुत जी। मैंने कई डायबिटीज पेशेंट को चने खाते देखा है, हर 2 घंटे बाद चने खा रहे हैं। हाँ जी, तो ये क्या चीज़ है? हर 2 घंटे बाद खाना आवश्यक नहीं है जी, मतलब बार बार हर 2-2 घंटे में खाना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। ये एक गलत धारणा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के मन में भर दी गई है कि आपको बार बार खाना है जी। बार बार खाना नहीं है, आपको एक साथ ज़्यादा भोजन नहीं लेना। इसका सार ये है जी कि अगर आप बहुत अधिक भोजन एक साथ करेंगे तो शुगर बढ़ेगी, इसलिए आप खाने को बांट के खाएं। बांट के खाने का ये मतलब नहीं कि हर 2-2 घंटे में खाएं। मुख्यतः जैसे हमने शुरुआत में चर्चा करी थी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 बार भोजन ले लिया, इनके बीच में अगर आपको भूख लग रही है, इच्छा है, मान लीजिए किसी ने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया और 1 बजे दोपहर का भोजन ले रहा है, तो 11 बजे के आसपास भूख लग सकती है जो एक सामान्य बात है, तो उस समय हल्का फुल्का जैसे आप बता रहे हैं चने ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं,
चाय या कॉफ़ी ली जा सकती है, इस तरह की एक छोटा सा एक मिनी मील जिसको कहते हैं वो लिया जा सकता है, और यही मिनी मील 3-4 बजे भी 3-4 बजे लिया जी जा जी सकता है। अक्सर लोग चाय पीते हैं, चाय का टाइम हो गया जी हाँ तो जी। लेकिन मैदे की जो चीजें हैं जो कि स्नैक्स के रूप में ज्यादातर हमारे यहाँ प्रचलित होती है, हाँ, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड खास तौर पर मैदा अवॉइड करना चाहिए। मैदा डायबिटीज के लिए बहुत, चीनी के बाद अगर कोई हानिकारक चीज है तो मैदा है। आजकल वो ब्राउन ब्रेड आने लग गई है, उसके लिए कहते हैं कि इससे नुकसान नहीं होता। ब्राउन ब्रेड भी नाम की ही होती है, ब्राउन ब्रेड में भी काफी हद तक 60 से लेकर 80% तक मैदा ही होता है। जी जी अच्छा, चलिए एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार लोढ़ा जी। नमस्ते, दोनों लोढ़ा हैं, दोनों लोढ़ा हैं। बोल रहा हूँ जी, मालवीय नगर जयपुर से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए बताइए। मेरे को सर 4.5 साल पहले पैरालिसिस आया था लेफ्ट साइड के अंदर। अच्छा, वो वैसे मैं 90% सही हूँ, मेरा थोड़ा सा चलने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है मेरा। अच्छा, अभी जो मेरी प्रॉब्लम है, वैसे मेरा शुगर मतलब कंट्रोल है, शुगर मेरे को है नहीं, फिर भी मेरा जो लेफ्ट जो फुट है उसके अंदर मेरे को परेशानी महसूस होती है। नहीं देखिए, अगर डायबिटीज आपको नहीं है उसके अंदर मेरे को परेशानी महसूस होती है, जलन सी होती है, ऐसा लगता है कोई क्रोटे हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, अगर आपने शुगर का टेस्ट करवा लिया है और डायबिटीज नहीं है तो आपकी समस्या आपको किसी न्यूरो फिजिशियन को या जनरल फिजिशियन को दिखानी चाहिए। आज हम डायबिटीज़ पे ही चर्चा कर रहे हैं जी। चलिए डॉक्टर साहब, ये वो मैं जो पूछ रहा था आपसे कि सलाद खूब खाने के लिए कहते हैं, ककड़ी और टमाटर खूब खाओ। सलाद में फाइबर होता है जी, मिनरल्स होते हैं, खाने के पहले इसको पेट भर के खा लो ये कहते हैं, और विटामिंस होते हैं। अच्छा जी, हमारे शरीर को जो विटामिंस चाहिए, मिनरल्स चाहिए, पानी चाहिए, फाइबर चाहिए, ये सब चीज़ें हमें सलाद से और फ्रूट से मिल जाती है, तो कोई एक्स्ट्रा विटामिन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर सलाद ककड़ी टमाटर खीरा गाजर मूली प्याज पत्ता गोभी ये सब चीज़ें अगर हम प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं जी, तो हमें विटामिन लेने की मिनरल्स लेने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। ग्लूकोज नहीं बढ़ता, फाइबर मिल, और इनमें ग्लूकोज तो होता ही नहीं है जी जी, या बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है जी जी, तो इसलिए शुगर के पेशेंट को कहा जाता है कि सलाद ज्यादा खाओ, सलाद पेट भर जाए उससे, ताकि आपका पेट काफी हद तक इससे भर जाए, तो आप अनाज या रोटी चावल जिनसे ग्लूकोज बनता है वो कम खाएंगे, वो कम खाएंगे, और खासतौर से ये उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर है जिनका वजन अधिक है, जिनका हम वजन कम करना चाहते हैं जी जी जी। जिनके डॉक्टर साहब ये पूछ लूं मैं आपसे कि मोटापे के कारण शुगर होती है, शुगर के कारण मोटापा होता है? नहीं, शुगर के कारण मोटापा नहीं होता है जी, मोटापे के कारण शुगर होती है जी, और मोटापे का भी डायबिटीज से बिल्कुल सीधा संबंध है जी। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे डायबिटीज का जो होने का रिस्क है वो बढ़ता है, बिल्कुल सीधा संबंध है जी जी। लेकिन डायबिटीज के इलाज के दौरान कई बार वेट बढ़ जाता है जी, वो बढ़ता है जब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं डायबिटीज़ के इलाज की जिनसे वजन बढ़ता है जी, तो हम जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको अलग तरह की दवाएं देते हैं, जिनका वजन कम है उनको अलग तरह की दवाएं जी। देते हैं। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, बताइए कौन बोल रहे हैं आप? राम निवास मीना जी, पूछिए सवाल। डॉक्टर साहब से बात करवा, हाँ बताइए, बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर लोढ़ा साहब से बात करनी है। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, बताइए सवाल पूछिए आपका। लोटे साहब, मैं राम निवास मीना बोल रहा हूँ आपको। पहले मैं मेरी वाइफ को दिखाया था 8-10 साल से, 2-3 साल लगातार कराया भी था इलाज। अच्छा, तो डायबिटीज में डॉक्टर साहब और सब ठीक है, लेकिन इनको क्या कहता है ना, कई बार वो लोअर पे चले जाती है। अच्छा, तो लोअर पे जाने से क्या है, पसीने चक्कर से आने लग जाते हैं वाइफ को। हाँ हाँ, तो फिर आप लोगों की सलाह से कई बार ये कहते हैं, अगर ऐसी स्थिति हो तो कोई चीनी की एक चम्मच डाल लो उसमें मुंह में, या कोई वो खा लो, चॉकलेट वगैरह खा लो तो ठीक हो जाओगे। हाँ, तो ये हमको ये अंतर समझ में नहीं आता है कि हायर से हुआ है लोअर से हुआ, इस तरीके से चलते चलते रात को ठीक, फिर सुबह उठी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए हो सकता है कि या तो जो दवाई वो ले रही है शायद उसकी मात्रा ज्यादा हो, या जितना भोजन बताया गया है उस मात्रा में भोजन न लेके कम भोजन ले रहे हों। जब दोनों में इस तरह की बात होगी तो शुगर का स्तर नीचे जाएगा, और ये लक्षण शुगर नीचे जाने के ही हैं, और नीचे जाने की स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं या लो शुगर कहते हैं, और ऐसी स्थिति में घबराहट, बेचैनी, कंपन, पसीना आना, बहुत अधिक भूख लगना, चक्कर आना, सिर दर्द, ये सब समस्याएँ हो सकती हैं। तो सबसे ज़रूरी ये काम है आपके लिए कि आप शुगर दिन में 2-3 बार चेक करें और पता लगाएं कि किस समय यह स्थिति हो रही है। मान लीजिए दोपहर के खाने के बाद हो रही है, तो दोपहर के खाने के पहले जो दवाई ले रहे हैं या जो सुबह जो दवाई ले रहे हैं
उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो दवाई की मात्रा कम करनी पड़ेगी, इसको इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन कम करना पड़ेगा, और कोई और वजह है, जो मान लीजिए किडनी की बीमारी होगी डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो भी शुगर लो हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो भी आपको चिकित्सक अभी देख रहे हैं उनको बता के और पहले पता लगाइए कि कारण क्या है इसका। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर होता है कि बहुत सारे शुगर के पेशेंट जेब में टॉफ़ी रखते हैं, मिश्री रखते हैं, चीनी का पाउच रखते हैं, कि हमें कभी अचानक, जिनको बड़ी होती है वो भी, वो कहते हैं कि अचानक कभी लो हो जाती है, पसीने आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। तो जिनकी बढ़ी हुई है उनकी लो कैसे हो जाती है अचानक, और वो फिर उनको टॉफ़ी खाते ठीक हो जाते हैं वापस? जी हाँ, वही हम बात अभी कर रहे थे कि मान लीजिए आपने सुबह डायबिटीज़ की दवाई ले ली और किसी वजह से आपने भोजन नहीं किया। दवाई तो ले ली लेकिन दवाई के बाद भोजन नहीं किया, क्योंकि आप किसी काम में व्यस्त हो गए, कोई गेस्ट आ गए, आप उनके साथ व्यस्त हो गए और आपने भोजन नहीं किया, तो दवाई तो अपना काम करेगी, दवाई तो गई है अंदर जी, तो दवाई तो शुगर के स्तर को नीचे लाएगी, लेकिन जब वहाँ पहले से खाना आपने किया खाया नहीं है तो शुगर का स्तर अधिक नहीं है, तो दवाई नॉर्मल शुगर नॉर्मल को भी नीचे ले आएगी, नॉर्मल को भी नीचे ले आएगी। अच्छा जी, एक नॉर्मल व्यक्ति में जिसे डायबिटीज़ नहीं है उसकी शुगर नॉर्मली लो नहीं होती है, क्योंकि बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो इतनी बढ़िया होती है कि वो शुगर को नीचे नहीं जाने देती। जैसे हम भूख हड़ताल करते हैं कई बार, जी तपस्या लोग करते हैं, जैनियों में जो तपस्या करते हैं 8 दिन 20 दिन एक महीना भूखे रहते हैं, लेकिन उनको लो शुगर नहीं होती है, तो बॉडी का मैकेनिज्म अपने आप काम करता रहता है। जी हाँ जी, लेकिन एक डायबिटीज के पेशेंट में क्योंकि दवाई ली है आपने, बाहर से एक आर्टिफिशियल चीज ली हुई है जो कि शरीर के शुगर को कम करेगी, चाहे आप खाओ या ना खाओ वो तो अपना काम करेगी दवाई, तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि टाइम पे भोजन लें। मान लीजिए आप कहीं मीटिंग में, कई बार लोग कहते हैं कि मैं मीटिंग में व्यस्त होता हूँ मैं और खाना खाना भूल जाता हूँ, तो खाना खाना अगर आप भूल गए, ऐसा आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आज मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, हो सकता है टाइम लग जाए, खाना टाइम पे नहीं ले पाऊँ, तो आप एक घंटा पहले मीटिंग से 1 घंटा पहले कुछ खा लें जी जी, ताकि वहाँ मीटिंग के दौरान अगर टाइम पे भोजन न भी मिले तो आप वो समय निकाल सकें। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से और क्या सवाल है आपका? सर, मैं जैसलमेर से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम भास्कर सिंह है सर जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं और समय रहते कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि मधुमेह हो गया मेरे को? हाँ जी, अगर कोई चेकअप नहीं किया, कोई कहीं ब्लड डोनेशन नहीं हो रहा, कोई कुछ और नहीं हो रहा, कैसे पता लगेगा? आमतौर पर डायबिटीज के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब काफ़ी समय चल गई, कई महीने या वर्ष जब चल जाती है डायबिटीज़, तो लक्षण प्रकट होते हैं। बच्चों में हालांकि तेज़ी से लक्षण आते हैं, बच्चों में डायबिटीज़ छुपी नहीं रहती है और कुछ ही दिनों में या हफ्तों में डायबिटीज़ के लक्षण आ जाते हैं, एडल्ट्स में लेट आते हैं। क्या लक्षण होते हैं? जब लक्षण आते हैं तो तेज़ी से वजन गिरना, भूख अधिक लगना, प्यास अधिक लगना, बार बार मूत्र आना, रात को उठ उठ के बार बार पेशाब करना, थकान रहना, नींद अधिक आना, चक्कर, हाथ पैरों में झुनझुनाहट, सूनापन, थकान रहना, नींद ही नींद आना, सुस्ती आना, जी ये सब लक्षण होते हैं। जी जी, चलिए, तो डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज अधिक वजन वालों को जल्दी होती है पर वजन कम करती जाती है डायबिटीज, आदमी का डायबिटीज से वजन कम होता जाता है अगर नियंत्रण ठीक से न रखा जाए तो वजन गिरता है तेजी से। जिनका वजन अधिक होता है उनको हम ये बताते हैं कि भाई आप अगर अपना वजन कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज आसानी से कंट्रोल होगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जो डायबिटीज के साथ एक एक तरीके से फ्री गिफ्ट होती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, एक के साथ एक, एक के साथ दो, तो ये इन सभी पे आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं अगर वजन कम कर लेंगे तो। लेकिन जिनका वजन सामान्य है उनमें ये उनको और वजन कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी जी, कोई कॉलर और शायद जुड़े हैं हमसे, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हाँ नमस्कार, मैं नमस्कार। सनातन बोल रहा हूँ जयपुर से। जी हाँ, मेरे क्या पुरानी डायबिटीज है जी, और बीच में मेरे एक बार का बुखार हो गया था और दवाई लेते रहे, खाना खाया नहीं, तो रात को मैं अनकॉन्शियस हो गया था। अच्छा, फिर हाँ, मैं मेरे को एडमिट करवाया तो एक्चुअल में हाइपोग्लाइसिया क्या बोलते हैं वो हो गया था। हाँ, यही है बात हमने अभी करी थी यहाँ पर, एक अन्य कॉलर ने भी यही बात करी थी, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया इसीलिए हुआ, आपने स्वयं ही जवाब दे दिया है कि आपने खाना नहीं खाया तो शुगर लो होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपकी आपने खाना नहीं खाया, दवाई ले ली और फिर भी शुगर लो नहीं हुई तो इसका मतलब दवाई प्रभावी नहीं है। जी, ये शुगर की दवा क्या होती है? वो कई तो टेबलेट से काम चला लेते हैं, कोई बार ऐसी स्थिति होती है कि टेबलेट्स अब काम नहीं कर रही तो अब इंसुलिन लगेगा, तो ये क्या स्टेज होती है जब टेबलेट्स काम करती हैं, टेबलेट्स क्या काम करती हैं,
क्या बॉडी में शुगर को जाके खत्म करती है ग्लूकोज को, या इंसुलिन मैनेज करता है ग्लूकोज को, दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। जी डायबिटीज के किस पेशेंट को कौन सी दवा दी जाएगी, ये बहुत सारी स्थितियों के हिसाब से दवा भी शायद अलग अलग है। जी हाँ, उस हिसाब से होता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज या बच्चों में जब डायबिटीज है, किसी 4 साल के बच्चे को अगर डायबिटीज हो गई तो उसको पहले दिन से इंसुलिन का इंजेक्शन ही लगता है, कोई और विकल्प नहीं है जी। लेकिन जो एडल्ट्स की डायबिटीज़ है उसमें हम शुरुआत में लाइफस्टाइल पे ध्यान अधिक देने की बात करते हैं। कई बार किसी का जस्ट बॉर्डर लाइन है, मामूली सी शुगर है, हल्का सा, कोई खास दिक्कत भी नहीं है, तो उन लोगों को कई बार बिना दवाई के भी एक्सरसाइज लाइफस्टाइल बदल के खाना खाने का ध्यान रखने से, एक्सरसाइज करने से कंट्रोल हो सकती है। जब एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होती है, खाने से कंट्रोल नहीं होती है, तो दवाएँ जोड़ सकते हैं। गोलियाँ आती हैं बहुत सारी, और आज के टाइम में हर कुछ महीनों में आज टेक्नोलॉजी सारी मेडिकल साइंस जो है सबसे ज्यादा डिस्कवरीज डायबिटीज में कर रही है। जी जी जी, तो हर बार नई दवा आ जाती है 4-6 महीने में, हर बार नई दवा आ रही है जी। और दवाई पहले से नई दवा पहले से ज्यादा बढ़िया और कारगर और सेफ जी साबित जी हो रही है। तो ये दवाएं जब कई साल शुरुआत में काम करती हैं, जब पैनक्रियाज बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, बीटा सेल्स बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाते हैं, जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन नहीं है तो दवाई कारगर नहीं होती है, फिर इंसुलिन देना पड़ता है, फिर इंसुलिन देना पड़ता है। जी एक कॉलर साथ जुड़े हैं, बताइए कौन बोल रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ, महावीर प्रसाद जी। सर मेरा क्वेश्चन ये, मेरे फास्टिंग में शुगर 100 के आसपास में रहती है। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए जी सर। हाँ जी बताइए। मेरे फास्टिंग में तो शुगर 100 रहती है और उसके बाद में खाने के बाद में सर 150 के आसपास, और ये पिछले कई सालों से थी सर। आप दवाई ले रहे हो? UTI, आंखों में जलन और स्किन की प्रॉब्लम, एक्जिमा। आप कोई डायबिटीज की दवा तो नहीं ले रहे हैं? नहीं सर, तो मुझे डॉक्टर ने फिर अभी ये बोला कि आप कुछ चाय बंद कर दीजिए, माफी की चाय कर दीजिए। तो हाँ, आपकी जो स्थिति है ये, अगर आपकी शुगर खाली पेट 100 है, खाने के बाद लगभग 150 है जी सर, तो ये डायबिटीज की स्थिति नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं है जी सर, तो इसे प्री डायबिटीज कह सकते हैं हम जी। या ग्रे जोन जो होता है कि कुछ वर्षों में डायबिटीज होने की संभावना आपको है, तो अगर आप शुगर अभी से लाइफस्टाइल अपना व्यवस्थित रखेंगे, अगर वजन ज़्यादा है तो वजन घटाएं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करें, खाना जैसा हमने चर्चा करी थी उस हिसाब से नियंत्रित भोजन लें, तो आपकी शुगर का स्तर 10 या 20 अगर और नीचे आ जाता है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आ सकते हैं जी। एक कॉलर और हमसे जुड़ गए हैं, बताइए कौन बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं पूछना? मैं सान्या गुप्ता बोल रही हूँ, गुर्जर की थड़ी जयपुर से जी। मेरी उम्र 24 साल है, मेरे डायबिटीज तो नहीं है पर मेरे काफी सालों से थायराइड है, और अभी फिलहाल मतलब कुछ महीनों में मेरी काफी झंझनाहट होने लग जाती है दिन भर में हाथ पैरों में, और अगर मैं दिन भर में एक बार भी ना सोऊं तो शाम तक बहुत वीकनेस साथ छा जाती है, तो क्या मुझे डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए? थायराइड का अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका टेस्ट 6 महीने में या साल में जब भी उसकी जरूरत होती है वो हो ही रहा होगा, तो हाँ वो हम करा रहे हैं। हाँ तो अगर परिवार में डायबिटीज है किसी को, और वैसे भी क्योंकि हिंदुस्तान में डायबिटीज इतनी ज़्यादा है, तो अगर कभी भी नेक्स्ट टाइम, ऐसा अर्जेंट अभी आवश्यक नहीं है, कभी भी अगली बार जब आप थायराइड का टेस्ट कराएं तो डायबिटीज का टेस्ट साथ में जरूर करवा लें, एकदम सिंपल सा टेस्ट है, ब्लड निकलेगा उसमें शुगर का भी टेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो घी तेल वाला खाना खाते हैं लोग और जंक फूड खाते हैं, खासतौर पर आजकल बड़ा फैशन हो गया बाजार में कि यहाँ चाट पकौड़ी खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, और ये जो पिज्जा आता है और आजकल नई पीढ़ी जो खा रही है, इसका क्या इफेक्ट है डायबिटीज? जंक फूड जिसने भी नामकरण किया बिल्कुल परफेक्ट किया, क्योंकि ये जंक ही है जी, इसको जंक फूड ही कहना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने चर्चा करी थी मैदा जी, सारे मैदे युक्त चीजें हैं ये जी, चाहे पिज्जा हो, बर्गर, मैदा बड़ा दूसरा बड़ा कारण है, और भारतीय जंक फूड भी उतना ही अधिक हानिकारक है, समोसे, कचौरी जी, इनमें मैदा है, ये सब मैदा है, और मैदा अगर है उसके साथ साथ कहीं आलू है, कहीं तेल है, कहीं घी है, तो ये सब चीजें, आलू और चावल कहते हैं ज्यादा डायबिटीज की, जी हाँ, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, फाइबर कम होता है, तो ये रक्त के ग्लूकोज स्तर को जी जी बहुत तेजी से बढ़ाते हैं जी। और इसके अलावा और भी कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इन चीजों के, खासतौर से जब तला जाता है इन चीजों को, तो वो तेल कई बार काम में लिया जाता है जी जी जी, क्योंकि उसके इकोनॉमिक कारण है जी, तो वो जितना बार बार तेल को फ्राई करते जाएंगे वो तेल उतना अधिक ही
हानिकारक और बहुत खतरनाक बनता जाएगा। जी एक कॉलर अभी जुड़ गए हैं, कौन बताइए, नाम बताएं अपना, सवाल कीजिए। जी मेरा नाम गजेंद्र सिंह है जी, पिपार से। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब जी, मेरी उम्र 45 साल है। हाँ जी, मैं जब शुगर की जांच करवाता हूँ तो 300 से बाहर बताती है। अच्छा, जबकि अमूमन जो शुगर के लक्षण होते हैं, भाई गांव नहीं मिलना, ज्यादा पैसा वाना, वो लक्षण कोई दिखाई नहीं देता है। तो आप दवाई ले रहे हो कुछ? दवाई फिलहाल तो मैं एक टेबलेट लेता हूँ। नहीं, अभी हमने यहाँ पर चर्चा करी थी कि डायबिटीज के लक्षण ज़्यादातर लोगों में मौजूद नहीं होते हैं, तो लक्षणों के भरोसे नहीं रहना है। अगर आपकी शुगर का स्तर 300 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो आप तुरंत चिकित्सक से मिलिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये शुगर इस तरीके से रहेगी तो सारे अंगों पर प्रभाव पड़ेगा और कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो इसका ठीक से इलाज कराइए। चलिए डॉक्टर साहब, ये लंबी चर्चा है बहुत, डायबिटीज इतना बड़ा रोग हो गया है, पूरी दुनिया में फैला है और भारत में तो खास तौर पर है। इसको समअप करते हुए आप बिल्कुल जल्दी से बताएं दर्शकों को कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कैसे ऑर्डर में लाया जा सकता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, एक बार इसको समराइज करके दो मिनट में, एक मिनट में। हम सबसे पहले तो अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ है तो आप सचेत हो जाइए और डायबिटीज़ का टेस्ट जरूर करवाइए, लक्षणों का इंतज़ार मत करिए। और अगर डायबिटीज़ है तो तीन चीज़ों पे जो हमने यहाँ चर्चा करी उन पे ध्यान दीजिए, व्यायाम, खानपान और फिर दवाई, तीनों का इक्वल महत्व है। मैं एक मिनट टोकूंगा आपको, योग, बाबा रामदेव खूब कहते हैं योग कीजिए, योग कपालभाति कीजिए। जी हाँ, योग भी एक तरह का व्यायाम है और डायबिटीज़ में लाभकारी है जी। आप किसी भी तरह का व्यायाम करें, योग भी करें, योग भी शरीर को फिट रखने के लिए, स्फूर्ति देने के लिए अच्छा व्यायाम है और डायबिटीज़ में भी कारगर है, तो योग जरूर करना चाहिए। किसी भी तरह का आप व्यायाम करिए और खान पान पर नियंत्रण रखिए, जल्दी भोजन करिए, रात का ब्रेकफास्ट जरूर करें और अच्छा ब्रेकफास्ट करें, और दवाएं जो आपको बताई गई हैं वो निर्धारित मात्रा में लें, जरूर लें, और समय समय पे टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस साइलेंट होते हैं जी, अचानक पता लगता है, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों दवाई लूं, 300 है तो है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब होने वाली होती है परेशानी, जब आपकी किडनी फेल हो जाएगी तब आप सब जगह भागोगे, पर तब कुछ हो नहीं पाएगा। जी जी, चलिए, तो हमने जैसा शुरू में कहा था, एक काली बिल्ली है अंधेरे कमरे में जो दिखती नहीं है और झपट्टा मार लेती है आदमी की ज़िंदगी पर, वही बात इस पर लागू होती है डायबिटीज़ को लेकर। आज हमने बात की देश के जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा से, बहुत सारे सवाल अभी अनुत्तरित रह गए होंगे, बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमने जहाँ तक संभवतः कोशिश की खोल के बताने की दर्शकों को, क्या डायबिटीज़ है, क्यों होती है, कैसी बीमारी है, इसका हल क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या हमारी लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, और इन सब के बाद मैं समझता हूं कि काफ़ी लोग इस बात के भी, एक मैं डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जन जागरण बहुत ज़रूरी है, लोग जानें क्यों होती है डायबिटीज़ और कैसे रोकी जा सकती है डायबिटीज़। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो ख़त्म नहीं की जा सकती, ये ऐसी बीमारी नहीं जो नियंत्रित नहीं की जा सकती, ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, लेकिन सिर्फ हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति, मेहनत, और जैसा हम लिफ्ट से एलिवेटर से चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ना शुरू करें, पैदल घूमना शुरू करें, शारीरिक व्यायाम करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी डायबिटीज़ पर कंट्रोल पा सकते हैं, दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ना खा के, बहुत सारी चीज़ों को खाकर। तो ये सब आज डॉक्टर शैलेश लोढ़ा ने हमारे सामने रखी बातें, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, आपने इतनी सारी बातें की, फिर किसी दिन एक बार आपको कष्ट देंगे और डायबिटीज से जुड़ी और बातें और जो हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके भी आप विशेषज्ञ हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।